हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम नेहा। जैसे कि आप लोग जानते हैं, यहाँ मैं स्टिचिंग से रिलेटेड डिफरेंट मेथड एंड डिज़ाइन आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। सो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो आज की वीडियो में मैं आपको ये डिज़ाइन से चोली बनाना सिखाऊंगी। इसे मैंने इस लहंगे के साथ पेयर किया है। इसकी वीडियो की लिंक मैंने ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, आप जाके देख सकते हैं। सो नाउ विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। आप लोगों के लिए यहाँ मैंने एज के अकॉर्डिंग ही मेजरिंग चार्ट बनाया है। आप फिर भी अपने बच्चे को एक बार मेज़र कर लें। आज की वीडियो में मैं 4 to 5 ईयर गर्ल के लिए चोली बनाऊंगी। आप ये किसी भी एज के लिए बना सकते हैं, जस्ट मेज़रमेंट में चेंजेस कर लें। यहाँ चोली के लिए मैंने 1/2 मीटर कॉटन लाइनिंग एंड 1/2 मीटर ब्रॉकेट फैब्रिक लिया है। मार्किंग में लाइनिंग करूँगी जिससे आपको ईजिली समझ आएगा। लाइनिंग को मैंने सिंगल फोल्ड करके रखा है। इसे मिड में से हम 2 पार्ट में कट कर लेंगे। यहाँ फ्रंट एंड बैक हम अलग से कट करेंगे। बैक में हमारी हुक एंड आई ओपनिंग आएगी। फर्स्ट हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे। फैब्रिक को सिंगल फोल्ड करके रखें। यहाँ चोली की टोटल लेंथ में 11 इंच रेडी करूँगी, प्लस उसमें 1 इंच करूँगी जो कि हमारा दोनों साइड मार्जिन में जाएगा। यहाँ पे हम अपनी शोल्डर विड्थ मार्क करेंगे। शोल्डर विड्थ हमारी यहाँ 9.5 इंच है, उसका हाफ लेंगे तो हमारे यहाँ पर 4.25 इंच आएगा। यहाँ नेक विड्थ हम 2 इंच रखेंगे। शोल्डर पॉइंट से नीचे 1/2 इंच डाउन जाएंगे शोल्डर ड्रॉप के लिए। अब यहाँ से नीचे हम अपनी आर्मोल डेथ मार्क करेंगे। आर्मोल राउंड यहाँ हमारा 10 इंचेस है, उसका हाफ लेंगे तो आएगा 5 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट राउंड मेरा 24.5 इंचेस है, उसका हमें 4th पार्ट लेना है तो मेरा यहाँ पे 6.1 इंच आया है। अब यहाँ पे हम अपना वेस्ट राउंड मार्क करेंगे। वेस्ट राउंड यहाँ हमारा 22 इंचेस है, उसका भी हमें 4th पार्ट लेना है तो यहाँ पे मेरा 5.5 इंच आया है। अब यहाँ पे हम अपनी आर्मोल कर्व की मार्किंग करेंगे। यहाँ आपको 3.5 इंच तक स्ट्रेट रखना है। इसके नीचे हम आर्मोल कर्व ड्रॉ करेंगे। यहाँ 3.5 इंच तक बाद में हमारी स्लीव अटैच होगी। यहाँ फ्रंट नेक डेप्थ में 2.25 इंच रखूंगी। यहाँ हम नेक यू शेप ड्रॉ कर लेंगे। आप यहाँ फ्री हैंड भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे फ्रेंच कर्व स्केल का यूज कर रही हूँ। साइड से 1.5 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। अब हम चोली का बैक पार्ट कट करेंगे। फैब्रिक को सिंगल फोल्ड करके रखें। यहाँ बैक पार्ट में हमारी हुक एंड आई ओपनिंग आएगी तो हम बैक पार्ट में यहाँ 1/2 इंच मार्जिन के लिए ले लेंगे। अब 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए इसके ऊपर हमें फ्रंट पार्ट रखना है। यहाँ बैक नेक डेप्थ में 1.25 इंच लूंगी। जैसा कि बैक पार्ट में हमारी ओपनिंग है तो हम इसे सेंटर में से कट करके 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। अब लाइनिंग को ब्रॉकेट फैब्रिक में रख के कट कर लेंगे। यहाँ ब्रॉकेट फैब्रिक की फोल्डेड वाली साइड हमें लाइनिंग की फोल्डेड साइड रखनी है, क्योंकि यहाँ फ्रंट में हमारी कोई ओपनिंग नहीं है। यहाँ बैक पार्ट में हमारे हुक एंड आई प्लेकेट आएंगे तो हम यहाँ पे प्लेकेट की लेंथ मेज़र कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे 11.25 इंच लेंथ आ रही है। तो यहाँ प्लेकेट की लेंथ हम 11.25 इंच मार्क कर लेंगे। यहाँ हुक प्लेकेट की ब्रॉडनेस हम 2 इंच रखेंगे। आई काज प्लेकेट की ब्रॉडनेस हम यहाँ पे 3 इंच लेंगे। यहाँ चोली के फ्रंट पार्ट में मैं गोटा लेस से डिज़ाइनिंग करूँगी तो आपको चोली के सेंटर में स्ट्रेट मार्क कर लेना है। अब यहाँ नीचे से आपको ऊपर 3 इंच पे मार्क करना है, अब 2 इंच पे। यहाँ ऊपर से दोनों साइड 2.5 इंच पे मार्क करेंगे, देन बोथ साइड हमें नीचे 2 इंच पे मार्क करना है। अब इन मार्क्ड पॉइंट्स में हम इस तरीके से गोटा लेस लगाएंगे।
सो यहाँ मैंने ये लेस लगा ली है। अब हम इसके आर्मोल एंड वेस्ट फिनिश करेंगे। इसके ऊपर हमें लाइनिंग को रखना है और हाफ इंच पे इसके आर्मोल एंड नीचे वेस्ट जॉइन कर लेनी है। सेम बैक पार्ट में भी हम ब्रॉकेट फैब्रिक के सीधी राइट साइड के ऊपर लाइनिंग को रखेंगे और हाफ इंच पे आर्मोल एंड वेस्ट फिनिश कर लेंगे। सो यहाँ मैंने स्टिच कर लिया। अब हमें पूरे आर्मोल में स्मॉल कट्स देने हैं। अब हम यहाँ साइड से इसे आगे की साइड टर्न कर लेंगे। इस पर एक बार आयरन कर लें। सेम बैक पार्ट में भी कर लेंगे। अब हम इसके शोल्डर्स ज्वाइन करेंगे। दोनों फैब्रिक की राइट सीधी साइड साथ में रखें। शोल्डर्स को इस तरीके से ज्वाइन करेंगे। नीचे के लाइनिंग फैब्रिक को आगे की साइड टर्न करके हाफ इंच पे से ज्वाइन कर लेंगे। अदरवाइज आप इस पे से भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों के शोल्डर इस तरीके से खोल के हम मिला लेंगे और हाफ इंच पे से ज्वाइन कर लेंगे। इस वजह से आप देख सकते हैं हमारी कितनी फिनिशिंग के साथ आर्मोल एंड शोल्डर्स ज्वाइन होते हैं। आई होप आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। अब हम हुक एंड आई प्लैकेट बनाएंगे। यहाँ पहले जो हमने हुक एंड आई प्लैकेट के लिए स्ट्रिप कट की थी उसे ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ राइट साइड हमारी 2 इंच ब्रॉड हुक वाली प्लैकेट आएगी। यहाँ लेफ्ट साइड हमारी 3 इंच ब्रॉड आई काज वाली प्लैकेट आएगी। अब मैं आपको ये प्लैकेट स्टिच करके दिखाऊंगी। फर्स्ट हम राइट वाली प्लैकेट स्टिच करेंगे। यहाँ राइट साइड हमारी 2 इंच ब्रॉड ये हुक वाली प्लैकेट आएगी। स्टिच का ध्यान रखें फैब्रिक के दोनों की सीधी राइट साइड साथ में हो। यहाँ नीचे की साइड आपको हाफ इंच स्ट्रिप में एक्स्ट्रा छोड़ना है। हाफ इंच मार्जिन में इसे ज्वाइन करेंगे। अब हमें स्ट्रिप को सिंगल फोल्ड करना है मार्जिन फैब्रिक को अंदर की तरफ करते हुए। अब हमें इसके एज में पूरे में एक स्टिच चलानी है। यहाँ मैंने स्टिच कर लिया है। अब जो हमने नीचे की साइड ये मार्जिन फैब्रिक छोड़ा था इसे अंदर की साइड फोल्ड करना है। अब हम इसे एक और बार फोल्ड करेंगे। अब इसके एजेस में हमें तुरपाई या ब्लाइंड स्टिच कर लेनी है। अब यहाँ लेफ्ट साइड हमारी 3 इंच ब्रॉड काज आई वाली प्लैकेट आएगी। तो हमें फैब्रिक के दोनों की सीधी साइड साथ में रखनी है। यहाँ भी नीचे की साइड हमें स्ट्रिप में हाफ इंच छोड़ना है। अब यहाँ साइड से हम हाफ इंच पे इसे ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ नीचे मार्जिन फैब्रिक को हमें स्ट्रिप की तरफ करते हुए स्ट्रिप के बिल्कुल एज में एक स्टिच चलानी है। अब यहाँ जो हमने स्ट्रिप में हाफ इंच नीचे छोड़ा था उसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ साइड से भी हमें हाफ इंच पूरा फोल्ड करना है। अब हमें इसे इस तरीके से सिंगल फोल्ड करके जो मार्जिन फैब्रिक है अंदर की तरफ करते हुए उसके ऊपर रखेंगे। अब यहाँ हम उसकी पूरी एजेस में टॉप स्टिच कर लेंगे। इसी के साथ मैंने ये स्टिच कर लिया है। यहाँ चोली के नीचे वेस्ट में मैं ये लेस लगा लूँगी। अब मैं यहाँ इसके लिए बैंड कॉलर कट करूँगी। इसके लिए हमें नेकलाइन को मेज़र करना है तो मैं इस तरीके से सिंगल फोल्ड करके रख लूँगी। ये 1 इंच एक्स्ट्रा हमारा आई काज वाला प्लैकेट है। सो हमें यहाँ ये फ्यूजिबल बकरम चाहिए। इसे मैंने सिंगल फोल्ड करके रखा है। ये ऊपर की हमारी स्टिकी साइड है जिस पर हम बाद में आयरन करके इसे फैब्रिक में चिपकाएंगे। फर्स्ट हम फ्रंट नेक लाइन मेज़र करेंगे। तो हमें यहाँ शोल्डर लाइन से सेंटर फ्रंट नेक लाइन तक इसे मेज़र करना है। तो यहाँ पे हमारा 3.5 इंच आ रहा है। तो ये हमारा फोल्ड वाला साइड है। तो ये फोल्डेड साइड हमारा सेंटर फ्रंट है। अब यहाँ से हम 3.5 इंच मार्क कर लेंगे। ये हमारी शोल्डर लाइन है। अब हमें बैक नेक लाइन मेज़र करनी है। तो हम यहाँ सेंटर बैक से ये शोल्डर लाइन तक मेज़र कर लेंगे। तो यहाँ मेरा 2.5 इंच आ रहा है।
तो यहाँ सेम हम बकरम में भी 3.25 इंच मार्क कर लेंगे। सो यहाँ बैक में 1 इंच की हमारी एक्स्ट्रा प्लेकेट आई है तो हमें इसे भी ऐड करना है। तो सेम हम बकरम में भी 1 इंच मार्क कर लेंगे, इन पॉइंट से स्ट्रेट मार्क करेंगे। अब यहाँ जितनी आपको कॉलर की ब्रॉडनेस रखनी है आप रख सकते हैं, यहाँ मैं 1.25 इंच रखूँगी, आप 1 इंच तक रख सकते हैं। यहाँ से ऊपर आपको 1.25 इंच पे मार्क करना है। अब यहाँ हमें सेंटर फ्रंट शोल्डर लाइन का मिड पॉइंट मार्क करना है। अब इन पॉइंट्स को हमें इस तरीके से कर्व में ज्वाइन करना है। अब यहाँ जो हमने 1.25 इंच कॉलर की ब्रॉडनेस ली थी उतना पूरे में मार्क कर लेंगे। अब यहाँ दोनों साइड अंदर हमें 1 सेंटीमीटर मार्क करके इसे स्लांट ज्वाइन कर देना है। सो हमने कॉलर कट कर दिया, अब हमें इसे ओपन करना है। हमें कॉलर में एक ही साइड 1 इंच प्लेकेट के लिए लेना है तो हम ये वाली साइड कट कर देंगे। अब हमें इस बकरम को फैब्रिक में पेस्ट करना है। सिंगल फोल्ड करके रखा है, ये हमारे कपड़े की सीधी राइट साइड है। इस बकरम को हमें आयरन करके फैब्रिक में पेस्ट कर देना है। ये हमारी स्टिकी साइड है तो बकरम को मैं इस तरीके से उल्टा करके इस पर प्रेस करके इसके पेस्ट कर दूंगी। सो यहाँ मैंने कॉलर को पेस्ट कर दिया। अब हमें इसके एजेस में 1/2 इंच मार्जिन के लिए छोड़ना है। अब यहाँ नीचे 1/2 इंच मार्जिन फैब्रिक हमें पूरा कॉलर की तरफ करते हुए इस पर आयरन कर लेना है। फोल्ड करने के बाद हमें पूरा बकरम के एजेस में पूरे में स्टिच कर लेना है। इस चीज़ का ध्यान रखें बकरम के ऊपर हमें कोई स्टिच नहीं करनी है। तो मैंने इस वे से स्टिच कर लिया। अब हम इसके एजेस 1/4 इंच मार्जिन छोड़ते हुए कट कर लेंगे। यहाँ पूरे कर्व में हमें स्मॉल कट्स देने हैं, इससे ईजी होगा हमें इस कॉलर को राइट साइड टर्न करना। अब हम इस कॉलर को राइट साइड टर्न करके इस पर एक बार आयरन कर लेंगे। तो मैंने ये पूरा प्रेस कर लिया है। अब जो हमारा यहाँ पे सेंटर फ्रंट था उसमें मार्क कर लेंगे। ये हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा आई काज वाला पार्ट है। सो यहाँ कॉलर की ज़्यादा वाली साइड हम आई प्लेकेट वाली साइड मिलाएंगे। अब यहाँ कॉलर के नीचे 1/2 इंच हमने जो मार्जिन के लिए छोड़ा था उसी में पूरे नेकलाइन में हमें स्ट्रेच करना है। पूरे कॉलर में एक बार पिन अप कर ले। ऊपर वाले कॉलर को उठाते हुए नीचे 1/2 इंच पे ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ जो हमारा मार्जिन फैब्रिक है इसे कॉलर की तरफ करते हुए कॉलर के बिल्कुल एज में हमें पूरे में स्टिच करना है।
अब यहाँ इस साइड हम अपने आई काज बना लेंगे और इस साइड हम अपने हुक लगा लेंगे। सो यहाँ मैंने हुक एंड आई स्टिच कर लिए हैं। अब यहाँ आर्मोल में जो हमने पहले 3.5 इंच स्ट्रेट मार्क किया था इसमें हमारे स्लीव अटैच होंगे। यहाँ हमारे 7 इंच ब्रॉड स्लीव अटैच होंगे। यहाँ मैं बिल्कुल ही डिफरेंट स्क्वायर शेप के स्लीव अटैच करूँगी। जैसे कि मैं यहाँ 2 इंच लॉन्ग स्लीव रेडी करूँगी तो मैं यहाँ पे 3 इंच लूँगी 1 इंच मार्जिन के लिए। देखिए हमारी 7 इंच की स्लीव रेडी होगी तो मैं यहाँ पे 8 इंचेस लूँगी 1 इंच मार्जिन के लिए। सो यहाँ स्लीव के लिए 2 पीस मैं ब्रॉकेट फैब्रिक में से कट करूँगी 2 लाइनिंग में से। यहाँ ब्रॉकेट वाले फैब्रिक में 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए मैं ये लेस अटैच करूँगी। अब हमें इसके एजेस फिनिश करनी है तो मैं इसके ऊपर लाइनिंग को रखूँगी। अब यहाँ मिड में आपको 4 इंच का गैप छोड़ना है, बाकी हमें 1/2 इंच पे इसकी साइड स्टिच कर लेनी है। मैंने यहाँ स्टिच कर लिया, अब हमें इसके कॉर्नर्स कट कर लेने हैं। यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन फैब्रिक हमें कट कर लेना है। अब यहाँ ओपनिंग से हमें इसे आगे के साइड टर्न कर लेना है। इस पर एक बार आयरन कर लेंगे। यहाँ जो हमने ओपनिंग छोड़ी थी 1/2 इंच अंदर की साइड फोल्ड करके पूरे में एक स्ट्रेट स्टिच चला लेंगे। सो यहाँ हम 7 इंच मार्क करके ये स्लीव अटैच करेंगे। आप यहाँ स्लीव को 1/4 इंच या 1/2 इंच अंदर के साइड डाल के पूरे आर्मोल के एज में एक स्टिच चला सकते हैं। इस वजह से आप देख सकते हैं हमने ये चोली पूरी फिनिशिंग के साथ रेडी कर ली है। आई होप आप लोगों ने आज कुछ न्यू डिज़ाइन का स्लीव सीखा होगा। अब हमें इसकी साइड ज्वाइन करनी है। अब यहाँ साइड में 1.5 इंच हमने जो मार्जिन के लिए छोड़ा था उसमें स्टिच कर लेंगे। यहाँ नीचे मार्जिन फैब्रिक को मैंने एक तरफ करते हुए इसके ऊपर 2-3 नॉट्स कर लिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू डू प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू सून। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।